जय हिंद दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी। ये वीडियो है दोस्तों बिहार की। बिहार के अंदर एक मस्जिद मिली है दोस्तों। मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। मस्जिद पानी के अंदर डूब गई थी। पानी जैसे ही डैम का सूख गया, वो मस्जिद दोबारा से दिखी और लोग वहां पर देखने जा रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। वो वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है, जो मैं आपको स्क्रीन पर चलती हुई नजर दिखा रहा हूं दोस्तों। ये वीडियो जो निकल कर आई है बिहार के नवादा जिले की है। हल्दिया एक डैम है। डैम का पानी सूखने के बाद ये मस्जिद दिखी है दोस्तों। ये मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। मस्जिद लगभग 600 साल पुरानी। इस मस्जिद को लोग बता रहे हैं कि ये 600 साल पुरानी मस्जिद है, जो पानी के अंदर डूब गई थी, डैम के अंदर डूब गई थी। जैसे ही डैम सूखा और ये मस्जिद दोबारा से दिखी है दोस्तों ये 600 साल पुरानी मस्जिद है। ये बिहार के नवादा जिले का बताया जा रहा है वीडियो। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको साफ दिख भी रहा होगा कि ये कोई नई मस्जिद नहीं है, ये कोई 50 60 साल या 100 साल पुरानी मस्जिद नहीं है, काफी ज्यादा साल पुरानी है। लगभग 600 साल जो लोग बता रहे हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद है, जो हल्दिया डैम का पानी सूखने के बाद ये मस्जिद निकली है। अब ये है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल हो रही है। अभी कोई अनभक्त लोग आकर दावा ना कर दे कि ये पहले ये मंदिर है, या कोई ये ना बोल दे कि इसके नीचे पहले मंदिर था, इसी या किसी राजा ने तोड़कर मंदिर को बनाया था। जैसे बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई है, ऐसी बहुत सी मस्जिद हैं जो आज भी बंद पड़ी हैं, जो आबाद नहीं है। ऐसे ही उनमें से ये मस्जिद है, ये डूबी हुई मस्जिद दोबारा से निकली है। डैम का पानी सूखने के बाद इस मस्जिद को दोबारा से देखा गया है और लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा, वीडियो देखने के बाद साफ दिख रहा है कि ये जो मस्जिद है कोई 50-60 साल पुरानी मस्जिद नहीं है, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। लोग इसे कह रहे हैं कि 600 साल पुरानी ये मस्जिद है, जो बिहार के ज़िले नवादा के ज़िले से ये मस्जिद निकली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इसकी वीडियो। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए, पर अनभक्त लोग इस पर दावा कर सकते हैं कि इसके नीचे मंदिर है। पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।